तेज रफ्तार गाड़ियां, स्टंट मारते बाइकर्स और रॉन्ग साइड ड्राइविंग। शहर के 5 फ्लाईओवर्स और सड़कों पर हर दिन एक्सीडेंट के कारण बन रहे हैं। अटल पथ, दिग्गा एम्स एलिवेटेड, गंगा पथ, गर्दनीबाग और बेली रोड फ्लाईओवर इन दिनों सड़क दुर्घटना का स्पॉट्स बना हुआ है। इन पर सफर करना आम शहरी के लिए एक डेंजर जोन पार करने जैसा हो गया है। इन फ्लाईओवरों पर दिन में कभी कभी ट्रैफिक पुलिस की तैनाती होती है, मगर रात 8 बजते ही न कोई ट्रैफिक पुलिस नजर आती और न ही सुरक्षा में तैनात समान पुलिस की गश्ती। आपको बता दें कि दिग्घा से एम्स जाने के लिए लगभग 12 किलोमीटर लंबाई में बने दिग्घा एम्स एलिवेटेड रोड सबसे अधिक संवेदनशील है। इस एलिवेटेड सड़क पर किसी भी ट्रैफिक जवान की तैनाती नहीं रहती है, साथ ही हरे स्पीड ब्रेक करने के लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया है। दूर तक लगभग खाली रहने वाले इस रोड पर बाइकर्स गैंग और तेज रफ्तार के वाहन आए दिन सड़क दुर्घटना का शिकार होते हैं। गंगा पथ के उद्घाटन से पहले हादसों की शुरुआत हो चुकी थी। एक महिला की मौत से शुरू हुआ सिलसिला आज तक थमा नहीं है। हालत अभी यह हो गया है कि गंगा पथ पर बाइकर्स ने रेस लगाना भी शुरू कर दिया है। बाइकर्स के बीच बोली लगाई जाती है और अटल पथ मोड़ से लेकर गांधी मैदान मोड़ तक तेज रफ्तार बाइकर्स बाइक को दौड़ाते हुए दिखाई देते हैं। इस रेस का शिकार कई बार आम लोग भी हो चुके हैं और अपनी जान आम लोग गंवा चुके हैं। पुल पर घूमने आए एक परिवार ने बताया कि बाइकर्स गैंग 25 से 30 बाइक एक साथ लगी रहती है और आपस में बोली भी लगता है। बेली रोड गर्दनीबाग फ्लाईओवर पर भी कोई ट्रैफिक पुलिस की तैनाती नहीं रहती है। यहां पर हर दिन ओवरटेक करने और रॉन्ग साइड के कारण सड़क दुर्घटनाएं होती रहती है। अटल पथ पर सबसे अधिक दुर्घटनाएं हो रही है। वैसे तो राजीव नगर एवं शिवपुरी फ्लाईओवर के नीचे ट्रैफिक पुलिस रहती है, मगर जाम छुड़ाने और बगैर हेलमेट पहनने वाले यात्रियों का जुर्माना वसूल करने के अलावा स्पीड पर लगाम लगाने के लिए कुछ भी नहीं किया जाता। कभी कभार दिखावे के लिए दिन में स्पीड गन से जाँच होती है। इस पथ पर फ्लाईओवर एवं सर्विस लेन में कट वाली जगह सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती है। गंगा पथ पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं के बाद मुख्यालय की ओर से इस पर पुलिस की व्यवस्था देने की बात कही गई थी। इसके बाद डायल 112 की गाड़ी तो खड़ी रहती है, लेकिन इसका काम घटना होने के बाद शुरू होता है। जब तक उन्हें कंट्रोल रूम से कोई फोन ना आए या फिर सामने कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। रात तो छोड़िए, दिन में भी इस पर पुलिस की व्यवस्था नहीं रहती है। थाना क्षेत्र की पुलिस बल पुल के नीचे गश्ती करती है या फिर एक जगह गोलंबर पर खड़ा रहती है। लगातार ये 5 फ्लाईओवर सड़क दुर्घटना का कारण बना हुआ है। आए दिन इस पर लोगों की जान जाती है, लेकिन पुलिस का नजर इन पर नहीं पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव बिहार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।